नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2481 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या जो है 84,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक एक्टिव मामलों की बात करें तो 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस है और अभी तक जो है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो पंजाब की ये खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर मामलों में जो है लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा जो है 84,482 के पार पहुंच चुका है। टोटल अभी तक जो है पंजाब में 2,514 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है और एक्टिव मामलों की बात करें तो 21,154 एक्टिव केस पंजाब में। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है, 60,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दिया है। पंजाब में जो है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 2,514 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। जो बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं जो उनको बिना किसी काम के बाहर जाने के लिए मनाही है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो सामने आ रही है, जो मल्टीपल डिजीज से सफर कर रहा है उसको खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। तो मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है और सबसे अधिक जो है पंजाब में लुधियाना प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि लुधियाना में पिछले 24 घंटे में 409 नए मामले सामने आए हैं। लुधियाना जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, उसके बाद जालंधर में जो है सबसे अधिक केस देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि जालंधर और लुधियाना में सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पटियाला में 204 नए मामले सामने आए हैं।